एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का जो व्लॉग है मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ और प्रीशु भी आज घर जा रहा है और यहाँ मेरे सामने बैठा है कब से, और इतने दिनों तक इसने खूब मस्ती करी और इतना ज़्यादा शरारती हो गया है ना ये, तो अभी शाम को ये जाने वाले हैं अपने घर। और मम्मा दीदी भी शिमला गए थे काम से, वो लोग भी आ रहे हैं, उनका ही वेट कर रहे थे, तो अब तो आने ही वाले हैं। और प्रीशु देखो यहाँ पर, ये देखो इसकी शक्ल देखो, सारे कपड़े इसने गंदे कर लिए, दो तीन बार तो ये दिन में चेंज कर ही लेता है। और दीदी भी आ गया सामान लेकर। पिचू माशी आप यहीं रह लो, ठीक है, मम्मा तो चली जाएगी, आप यहीं रह लो। तो गाइज इतना ज़्यादा गर्मी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ भी नहीं बैठा जाता और ना ही ऊपर रूम में बैठा जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और हम आ गए थे टेरेस पे, क्योंकि शाम का टाइम ऐसा होता है कि जब थोड़ा मतलब कि गर्मी कम लगती है, अभी बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, बट जैसे ही रूम में जाएंगे ना वैसे ही इतना ज़्यादा गर्मी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी धूप चली गई है ना तो नॉर्मल लग रहा है। और प्रीशु भी कल चला गया था और रात में पता क्या हुआ मुझे, मतलब मैं सो रही थी और मुझे ना इतनी याद आई प्रीशु की, मतलब वो इतने दिन तक यहाँ था ना तो उसकी आदत हो गई थी। और वो कहते हैं ना कि बच्चों से घर में रौनक होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और इतना मतलब सोना सोना लग रहा था उसके बिना, तो मुझे बहुत याद आ रही थी शाम में, तो फिर आज मैंने उससे बात भी करी थी। और अभी तो हम यहाँ पर घूम रहे हैं, फिर अब जाएंगे नीचे डिनर बनाने के लिए। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पर बैठेंगे, ठंडी हवा तो नहीं चल रही है बट शाम के टाइम बाहर बैठना ना बहुत अच्छा लगता है। और आज मैंने पिंक पहना है और दीदी ने भी सेम पहना है, यहाँ देखो दीदी बैठी है। और कुछ बोलना चाहती हूँ कि मुझे बोला था किसी ने कि आप रोज़ मतलब कि डेली व्लॉग डाला करो, आप व्लॉग्स नहीं डाल रहे हो। तो आजकल क्या होता है ना, मतलब कई बार ऐसा होता है कि मन भी नहीं करता, वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक कि मेरा मन ना किया हो व्लॉग बनाने का, बट क्या होता है ना कि जब व्यूज़ आना थोड़ा कम हो जाता है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि यार क्या व्लॉग्स बनाना, वरना ऐसा कभी होता ही नहीं कि मेरा मन ना हो कि मैं व्लॉग ना बनाऊँ, बट फिर थोड़ा ऐसा होता है कि यार व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो फिर इस चक्कर से ना थोड़ा मन ऐसा हो जाता है कि यार नहीं बनाना, वरना तो मैं हमेशा व्लॉग बनाती ही हूँ। बट मैं यही सोचती हूँ कि चलो लोग जितना देखेंगे उतना मुझे भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं भी रोज़ व्लॉग बनाऊँ और आप भी व्लॉग को देखें। गाइस देखो आप दीदी यहाँ पर तपस्या कर रही तपस्या चलिए ये देखो गाइस क्या बोलूँ मैं यार, मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। देखो पीछे से फिर से डॉगी भौंकने लग गया है दीदी हाथ जोड़ने लग गई कि बस अब मत भौंको, एटलीस्ट अपने पड़ोसियों पर तो नहीं भौंकना चाहिए जो बाहर से कोई आ रहा है अनजान, उन पर तो भौंको, एटलीस्ट हम पर तो नहीं भौंको, अब क्या गुस्सा होता है मुझे बहुत। तो अब हम जा रहे हैं डिनर बनाने, अब तो रात भी होने लग गई है, शायद आपको नहीं पता चल रहा होगा, तो फिर चलते हैं डिनर बनाने। देखो अब तो पूजा भी होने लग गई है मंदिर में, ये देखो। हेलो एवरीवन, तो आज हम कहीं जा रहे हैं वहीं के लिए रेडी हो गए हैं। और आज मैंने बहुत ही सिंपल सा सूट पहना है, पहले मैं ब्लैक सूट पहन रही थी, फिर सोचा इतना ज़्यादा गर्मी है ब्लैक सूट में और ज़्यादा गर्मी लगेगी, तो अभी इस पे भी मुझे बहुत गर्मी लगी। और जहाँ हम जाने वाले हैं ना वहाँ पर यहाँ से भी ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि वो जगह ना लो हाइट में है, तो फिर आप सोच ही सकते हो लो हाइट में कितना ज़्यादा गर्मी होती है। तो चलो देखते हैं आगे क्या क्या होता है, तो बस रेडी हो गए अब निकलना है हमें यहाँ से। तो गाइस जाने से पहले मैं आपको अपना पूरा लुक दिखा देती हूँ कि आज जो मैंने सूट पहना है वो कैसा लग रहा है, अब आप लोगों को बताना हो कैसा लग रहा है। जा रहे हैं घर वापस और यहाँ पर लग गया है ट्रैफिक, क्योंकि रोड का काम चला है इससे थोड़ा ट्रैफिक लग गया है। हम घर पहुँच गए हैं और
अभी हम गए थे टेरेस पे और दीदी को पंछी बनना था क्योंकि एक पंछी वाली रील थी ना, क्या फनी बनी है यार, ये देखो कितनी फनी बनी है, और दीदी का ना चश्मा गिर जाता है ये देखो। अभी इतनी हंसी आई मुझे, तो फिर अभी चेंज वेंज कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, तो मॉर्निंग हो गई है हमारी और अभी हम ब्रेकफास्ट भी करने वाले हैं क्योंकि हमारे लिए स्पेशल पराठा अभी आने वाला है। और दीदी सुबह सुबह ही लग गई है स्नैपचैट में, आजकल दीदी को ना मतलब स्नैपचैट का बुखार है। यार देखो, तो अभी भी दीदी फोटोज ले रहे थे, तो हम वेट करें जल्दी से पराठा आएगा और हम खाएंगे, वक्त भूख भी लग रही है तो शायद आने ही वाला है। ये जो आप प्लांट देख रहे हो ये मैंने सिर्फ दो लगाए थे, दो मीन्स इसकी जो ये साइज है ना, ये देख रहे हो आप, ये सिर्फ मैंने दो लगाई थी, जैसे एक ये एक ये, एक इस साइड से और एक इस साइड से, तो देखो इतना इसने कितना ग्रो कर दिया है। वैसे मैंने एक और भी लगाई थी यहाँ पर वो नहीं लगी, तो वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो वो मैंने इसमें लगाई है एक साइड से ये, और यहाँ से मैंने एक कट करी थी वो मैंने इसके साथ लगाई है। अब देखते हैं ये कितना जल्दी ग्रो करती है और फिर दिखाऊंगी मैं आपको। गाइस मैं अभी शॉप से आई हूँ टेरेस, इतना ज़्यादा गर्मी लग रही थी और अभी तो आई थिंक 7:30 होने वाले, आज इतना ज़्यादा क्राउड है क्योंकि छुट्टियाँ पड़ गई हैं ना स्कूलों में और कल बोर्ड भी है, तो इसलिए ना सब लोग घर जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा क्राउड था। और अभी जाती हूँ फिर से नीचे, अभी थोड़ी देर यहीं रहूँगी, थोड़ी हवा में इधर उधर घूमती हूँ, मतलब कम लगेगी थोड़ी गर्मी, तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठती हूँ खुली हवा में, अच्छा लगेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज है 1 जून यानी कि वोटिंग डे, हम जा रहे हैं वोट देने। सुबह ना जल्दी उठ गए थे ताकि जल्दी जाकर लाइन्स में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, तो फिर हम निकलते हैं यहाँ से, वरना ना बहुत तेज़ धूप होती है ना, फिर खड़ा नहीं रह जाता इतनी देर तक, तो फिर निकलते हैं फटाफट से और वोट देकर आते हैं। तो गाइस हम वोट देकर आ गए हैं और सब लोग लाइंस में खड़े हैं, मम्मा अभी नहीं आए हैं, ये देखो आप सामने देख सकते हो, अभी ना ज़्यादा लाइंस नहीं लगी हुई क्योंकि हम जल्दी आ गए थे, और मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट, ये देखो। तो गाइस मम्मा भी आ गए हैं वोट देकर, दिखाओ। हाँ क्यों नींद आ रही है, सुबह उठा दिया 5 बजे ने, 5 बजे लगे थे, जाओ जाओ जल्दी। अरे इसका नहीं है ये, अभी छोटी है, मैं बोल रही हूँ बैठ जाओ। हाँ हम तो सुबह ही चले गए थे। गाइस हम घर पहुंच गए बट कीज जो है वो गाड़ी में ही रह गई है, अब भाई गया है भाभी को लेकर वोट डालने के लिए, अब जब वो लोग आएंगे ना तभी हम ऊपर रूम को जाएंगे। गाइस जल्दी जाने करने का ही फायदा होता है और हम जल्दी वापस भी आ गए और अब तो भूख भी लग रही है, तो फिर खाते हैं पराठा और चटनी फेरा। तो गाइस अब मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट में है पराठा और चटनी, और आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय एंड टेक केयर।